सिक्स में है देखिए, 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, तो इसका मतलब है एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 11 आ गई। फ्रॉम फोर कमेटीज थ्री टू फोर दैट नो मेंबर इज मोर देन वन कम्युनिटी, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज। तो अब आपको पता है कि पहली कमेटी में क्या है, मिसाल दे रहा हूं कि फर्स्ट कमेटी में कितने नंबर है मेंबर है बेटा, हाँ बेटा कितने हैं फर्स्ट कमेटी में, देखिए फोर तो कमेटीज है ना, फर्स्ट में कितने मेंबर है, थ्री। फर्स्ट कमेटी डबल ई, ठीक है, डबल टी डबल ई, ठीक है, और मेंबर लिख लूंगा आगे, ठीक है बेटा, वो आपके पास क्या है, थ्री है। सेकंड के क्या है बेटा, फोर, फोर, और थर्ड के टू लिख दिया, अच्छा फोर के टू, वो भी टू है बेटा। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, मैंने जिस तरह कहा था ना नंबर ऑफ, आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो आप क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कमेटीज, ठीक है बेटा। अब टोटल कितने, 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाए, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, हो गए पूरे। तो इसको करेंगे जरा कैलकुलेट क्या, सिक्सटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड कमेटीज बन सकती, ठीक है बेटा, समझ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा।